लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल या बाला साहब ठाकरे, इन दोनों में से किसका नाम दिया जाए, इस बात को लेकर प्रकल्पग्रस्तों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच एयरपोर्ट के लिए जेआरडी टाटा के तौर पर तीसरे नाम का सुझाव सामने आ गया है, जिससे प्रकल्पग्रस्तों के बीच नया बवाल मच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेआरडी टाटा का नाम टाटा परिवार ने सुझाया है। हालांकि स्थानीय प्रकल्पग्रस्तों का मानना है कि यह सब उद्धव सरकार की साजिश है, जो आंदोलन को भटकाना चाहती है। प्रकल्पग्रस्तों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लोक नेता दीपा पाटिल के सिवा दूसरा कोई भी नाम मंजूर नहीं है। इस पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर का कहना है कि जब स्थानीय प्रकल्पग्रस्त दीपा पाटिल के योगदान के चलते एयरपोर्ट पर सिर्फ उनका ही नाम चाहते हैं, तब किसी अन्य नाम का सुझाव देने का कोई औचित्य नहीं है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है। हालांकि इससे नाराज स्थानीय प्रकल्पग्रस्त एयरपोर्ट पर लोक नेता दीपा पाटिल का नाम चाहते हैं और इसीलिए एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर बड़ा विवाद पैदा हो गया है। हालांकि इसी बीच अब तीसरा नाम भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवी मुंबई एयरपोर्ट को जेआरडी टाटा का नाम दिए जाने की अपील की गई है। सवाल यह है कि जब स्थानीय प्रकल्पग्रस्त नवी मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ अपने मसीहा लोक नेता दीपा पाटिल का ही नाम चाहते हैं, तब विवाद में बाला साहब ठाकरे के बाद तीसरे नाम को जोड़ने की जरूरत क्या है। सूत्रों की माने तो राज्य की उद्धव सरकार ने ही जानबूझकर मशहूर उद्यमी जेआरडी टाटा का नाम प्रस्तावित करवाया है, ताकि बाला साहब ठाकरे के नाम पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और आंदोलन को भटकाया जा सके। इस पर बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जेआरडी टाटा का योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्त दीपा पाटिल के योगदान के चलते एयरपोर्ट पर सिर्फ उनका ही नाम चाहते हैं और इसीलिए अब अन्य किसी नाम के सुझाने का कोई भी औचित्य नहीं है। देखिए प्रवीण दरेकर ने और क्या कुछ कहा। या देशासाठी महाराष्ट्रासाठी अनन्यसाधारण असं योगदान आहे। सामाजिक आरोग्य क्षेत्रात प्रचंड त्यांनी या समाजाला दिलेलं आहे। परंतु मला वाटतं आता त्या ठिकाणी दीपा पाटलांच्या संदर्भात अभियान तिथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी केलं आहे, कारण तिथल्या स्थानिक भूमिपुत्रांना जागा देणं, उभं करणं, रोजगार देणं आणि एकंदर तिथला विकास दीपांच्या माध्यमातून झाल्यामुळे प्रामुख्यानं आगरी समाज, कोळी समाज जो त्यांना दैवता समान म्हणतो, त्यांनी अभियान चळवळ उभी केले आणि अशा वेळेला मला वाटतं अनेक नावं त्या ठिकाणी पुढे वेगवेगळे घटक आणतायत, तर मला वाटतं नावावरून वाद होता कामा नये आणि तिथल्या लोकल भूमिपुत्रांची, स्थानिकांची जी मागणी असेल त्याप्रमाणे व्हावं अशी आमची भूमिका आहे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।